हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 है। इसमें हम लोग एज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एज पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, टू टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं रेशियो पे बेस्ड होते हैं और दूसरा एवरेज एज पे बेस्ड होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एज से रिलेटेड वो वाले प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि रेशियो पे बेस्ड होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एवरेज एज पे बेस्ड होते हैं। तो जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तब एवरेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं एज वाले उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के क्लास में केवल एज का 50% पार्ट ही डिस्कस होगा जो कि रेशियो पे बेस्ड होगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि पार्ट 5 तक आप लोगों ने देख लिया है और अच्छे से नोट्स बना लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 5 तक, पहले पार्ट 5 तक आप देख लीजिए, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पार्ट 5 तक देख लेंगे तो पार्ट 6 को समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ये पार्ट 3 में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, उसी चीज़ का एप्लीकेशन है। जो पार्ट 3 में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी का एप्लीकेशन है कि किसी रेशियो में किसी कॉन्स्टेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो रेशियो में डिफरेंट आता है उसमें कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो वो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ पार्ट 3 में। तो अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको पहले पार्ट 3 देख लें, तब जाके पार्ट 6 आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं तो एडवाइज़ करूँगा कि पूरा पार्ट 1 से लेकर 5 तक देखेंगे तो एकदम ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है और ये तीनों एकदम क्लियर हैं तो एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ए है और यहाँ पे बी है। ए का एज जो दिया है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए प्रेजेंट एज, ध्यान रखना प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का जो है ए का मान लिया मैंने 20 है और बी का 24 ईयर है। ये 24 ये वाई का मतलब ईयर है। अगर मैं बच्चों बोलूँ कि 10 साल बाद ए का एज कितना होगा, तो आफ्टर 10 ईयर का मतलब हो गया प्लस 10 ईयर। ठीक है, तो प्लस 10 ईयर के बाद कितना एज हो जाएगा ए का, तो ये 10 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 ईयर। तो देखो ध्यान से, जब किसी बंदे का अगर किसी स्केल से एज बढ़ रहा है तो उसके साथ वाले का भी एज उसी स्केल से बढ़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसमें 10 ऐड किए हैं, तो बी का भी एज अगर उस साल पूछे तो यहाँ भी इसमें 10 का ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 34 ईयर। मतलब कि बी का एज आज 24 ईयर है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 34 ईयर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि कोई भी दो व्यक्ति का एज की बात करेगा तो किसी व्यक्ति का एज में अगर मान लो कुछ पॉइंट से बढ़ रहा है 10 साल में, तो उसी सेम पॉइंट से बढ़ेगा बी का भी एज। मतलब सेम स्केल से बढ़ता है लोगों का एज, याद रखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बच्चों कि अगर मैं प्रेजेंट एज में इन दोनों का एज का डिफरेंस देखूं प्रेजेंट में, तो ये 20 साल का ये 24 साल का, तो इनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों ये आएगा 4 ईयर। ठीक है, अगर मैं इनका 10 साल बाद एज का डिफरेंस देखूं बच्चों तो ये आएगा, ये भी आएगा 4 ईयर। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी भी दो व्यक्ति का अगर एज का डिफरेंस अगर आज 4 साल आ रहा है, तो अगर आप 10 साल बाद भी चेक करोगे तो उनका एज का डिफरेंस 4 साल ही आएगा। 5 साल बाद चेक करोगे तो उसका एज का डिफरेंस क्या आएगा, 4 साल ही आएगा। अगर 10 साल पहले भी चेक किए होते आप तो उसमें भी एज का डिफरेंस कितना, 4 साल ही आता। अगर 5 साल पहले भी चेक किए होते तो एज का डिफरेंस 4 साल ही आता। यानी कि दूसरा पॉइंट ये हो गया, किसी भी दो व्यक्ति का एज सेम ईयर में उनका कांस्टेंट जो डिफरेंस होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। आज उनका जो एज का डिफरेंस होगा 10 साल बाद भी उनका एज का डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अब थर्ड पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है बच्चों कि अगर ए और बी का एज का रेशियो निकाले हम लोग प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, 20:24। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5:6 का रेशियो आ जाएगा प्रेजेंट में। अगर 10 साल बाद इनका एज का डिफरेंस रेशियो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 30:34। इनका निकालेंगे तो हो जाएगा 15:17 का रेशियो आ गया। यानी कि देखो, पहले रेशियो कुछ और था प्रेजेंट में और 10 साल बाद भी रेशियो क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसका मतलब थर्ड पॉइंट ये बोलता है बच्चों, किसी भी दो व्यक्ति का जो एज का रेशियो जो आज है वो अगले साल चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगले साल निकालो या फिर 2 साल बाद निकालो या फिर 3 साल बाद निकालो, उसका एज का जो रेशियो होगा हमेशा चेंज होता चला जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। या फिर अगर 1 साल पहले भी अगर आप देखे होते, मतलब पास्ट में भी 1 साल पहले जाके देखोगे तो उनका एज का जो रेशियो होगा डिफरेंट होगा। 2 साल पहले देखोगे तो वो भी डिफरेंट होगा, 5 साल पहले भी देखोगे तो वो भी डिफरेंट होगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को 10 से 20 सेकेंड विथिन 30 सेकेंड आपका आंसर आपके सामने होगा, ये कि तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है और
और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, 2 स्टार लगा लेना इस पर, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो जो भी मैं इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बच्चों, ये एनालिसिस के बाद ही डिस्कस करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आए हैं कि नहीं आए। रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मैं चाहूँ तो 50 लेक्चर बना दूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही, लेकिन मैं वही पार्ट को वही चीज़ को डिस्कस करता हूँ जो गेट में आया हो या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो ये जो है एकदम स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर है। अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं सारे, अगर मेरे लेक्चर फॉलो कर लेते हैं, मैं 100% श्योर हूँ, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि 100% गेन कर लोगे, लेकिन दूसरे से बेहतर करोगे इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी दिया है 8:9। तो देखो ए और बी की बात किया तो हमने ए और बी बना लिया बच्चों ऐसे, और परसेंट का एज का रेशियो दिया तो परसेंट का एज हमने ऐसे लिख लिया, और रेशियो जो दिया हुआ बच्चों 8 और 9 का दिया हुआ तो हमने 8 और 9 लिख लिया, क्लियर है। आगे बोला कि आफ्टर 9 ईयर, मतलब प्रेजेंट से 9 साल बाद, तो यहाँ से हम लोग बात करें तो प्रेजेंट से 9 साल के बाद का मतलब कि यहाँ से प्लस 9 ईयर के बाद, ठीक है, मतलब आफ्टर 9 ईयर बोल सकते हैं आप, प्लस 9 ईयर के बाद एज का जो रेशियो हो जा रहा है 9:21 आ जा रहा है। अब देखो हमारा 3 कंडीशन को याद करो। अब देखो इसके आगे क्या बोला गया कि सी इज़ द 3 ईयर अंगर टू बी, यहाँ पे सी का जिक्र नहीं किया, लेकिन सी का जिक्र किसके रिस्पेक्ट में किया, बी का, मतलब अगर बी का एज पता रहेगा तो उसमें से 3 साल घटा दोगे तो सी का आ जाएगा, वही सी का पूछा हुआ है आपको। मतलब ये हो गया कि जो ये डेटा आपके सामने लिखा हुआ, इसी डेटा से ए और बी का वैल्यू को पता करना है। जब ए और बी की वैल्यू पता कर लेंगे, मतलब जो वैल्यू आएगा वही एज हो जाएगा, और उस एज में 3 साल घटा देंगे बी में तो आपका सी का एज आ जाएगा। अब जितने लोग पार्ट 3 को देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उनको एकदम समझ में आ गया कि सर ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद करो पार्ट 3 में मैं बताया था आपको कि कोई भी रेशियो है उसमें किसी कॉन्स्टेंट नंबर से ऐड करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम उन 2 नंबर को निकालते हैं, निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, वही चीज़ सेम यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जो लोग पार्ट 3 देखेंगे तो अपने आप ही इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे डील करना है बच्चों। तो देखो 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये बच्चों, आज ए का एज जो भी है, बी का एज जो भी है, अगर उसमें अगर 10 साल इसके मान लो 9 साल ऐड कर रहे हो, तो देखो यहाँ से 8 से 19 होने का मतलब 8 से 19 हो जा रहा है, तो 8 से 19 होने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कोई नंबर 8 से 19 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है बच्चों, 11 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 11 स्केल से बढ़ रहा है, और यहाँ पे 9 से 21 होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो 9 से 21 होने का मतलब हो गया यहाँ पे 12 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 11 स्केल से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ से प्लस 11 स्केल से बढ़ेगा और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 12 स्केल से बढ़ेगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी 2 आदमी का एज होता है अगर कुछ साल बाद देखो तो सेम स्केल से बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे 11 स्केल से बढ़ रहा है 12 से, यानी ये गलत है। चलो ये कंडीशन गलत चल गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों, दूसरा कंडीशन ये था कि इनका एज का डिफरेंस जो होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे एज का डिफरेंस देखो बच्चों तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एज का डिफरेंस आ रहा है 2। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि एज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। जब एज का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो अपने आप ये जो स्केल है ये अपने आप दोनों स्केल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सेम स्केल से बढ़ने लगेगा। अब दोनों को बराबर करने के लिए मैं बताया था कि इसको 2 का डिफरेंस बनाने के, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है पहले में मल्टीप्लाई कर दो और वहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो इस ऊपर वाले रेशियो में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले रेशियो में 1 का, तो हमारा जो नया रेशियो जो फॉर्म हो जाएगा बच्चों ए और बी हो जाएगा। अब ए और बी हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 और 2 16 और 9 to 18, ठीक है, ये आ गया 16 to 18 रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा 19, ये तो 1 का मल्टीप्लाई करके 19:21 ही आएगा। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब देखो यहाँ पे कितना स्केल से बढ़ रहा है तो +3 स्केल से बढ़ रहा है, और यहाँ कितने स्केल से बढ़ रहा है बच्चे, +3 से बढ़ रहा है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, दोनों सेम स्केल से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। दूसरा कंडीशन ये था हमारा बच्चों कि इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, तो देखो डिफरेंस कितना है 2 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर है आपको ये। अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और थर्ड कंडीशन था कि रेशियो डिफरेंट होता है, तो देखो रेशियो डिफरेंट है, यानी कि जब हमने ये बना दिया मतलब ये हमारा मेन क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। अब देखो अब ये जो 3 यूनिट से बढ़ रहा है, 3 स्केल से बढ़ रहा है, इस 3 स्केल की वैल्यू कितना दिया है, 9 ईयर दिया है बच्चों, तो यहाँ पे 3 स्केल की वैल्यू को 9 ईयर मान लेंगे, यानी 1 स्केल की वैल्यू को कितनी हो जाएगी, 3 ईयर हो जाएगी, यानी 1 स्केल की वैल्यू 3 ईयर है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अब ए का हमको एज निकालना हो तो ए का एज हम लोग निकाल सकते हैं, बी का एज निकाल सकते हैं प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट में ए को हम लोग 16 यूनिट मान चुके हैं और बी को 18 यूनिट मान चुके हैं। अब कोई ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पे 8 और 9 यूनिट लेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज कर चुके हैं,
क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, तब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि ए की यूनिट 16 यूनिट होगी, बी की 18 यूनिट होगी। तो जिसका निकालना, वैसे यहाँ पे किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का एज क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, बी का एज हो जाएगा बच्चों, बी का एज कितना, 18 यूनिट माने हैं प्रजेंट में, तो प्रजेंट यहाँ पर प्रजेंट पूछा है, देखो परसेंटेज सी का पूछा है, तो परसेंटेज बी में तीन, ये थ्री ईयर घटाएंगे, तो परसेंटेज बी का कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ईयर है, 18 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 54 ईयर, ये बी का एज आ गया। अब सी क्या है, तीन साल छोटा है, तो सी का एज क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि इसमें तीन साल घटा देंगे तो यह आ जाएगा 51 ईयर, और यही आपसे पूछा गया है, तो सी का एज क्या आ जाएगा, सी का एज आ जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके क्वेश्चन का आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी में मान लो आपसे पूछा होता बच्चों कि ए का एज बताओ, तो ए का एज कितने लोग बता देंगे, सब लोग बता सकते हैं ए का एज क्या होगा, ए का एज ए कितने यूनिट माने, 16 यूनिट माने हैं, तो ए का 16 यूनिट हो गया। अब 16 यूनिट माने हैं और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 ईयर, क्लियर है। तो देखो जो लोग पार्ट थ्री में, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आया था कि यहाँ पे ये हम कांस्टेंट क्यों बना रहे हैं, ये कांस्टेंट क्यों बना रहे हैं, उन लोगों का एकदम क्लियर हो गया। जिन लोगों को पार्ट थ्री में थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेम स्केल से क्यों बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों कर, ये टू टू कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सेम स्केल से क्यों बढ़ा रहे हैं, क्लियर है। तो सबको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच से भी कर सकते थे, मान लो कि आप ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है मतलब कि सी का एज कितना है, 49, जब सी का एज 49 है तो बी का एज क्या होगा, इससे तीन साल ज़्यादा होगा, तीन साल का मतलब 52 हो गया। और बच्चों एक चीज़ बताओ, ए और बी का रेशियो प्रजेंट का जो रेशियो दिया, ये प्रजेंट का एज आ रहा है, याद रखना ये जो एज आ रहा है प्रजेंट का एज आ रहा है, और प्रजेंट का एज का रेशियो दिया हुआ है 8:9, तो प्रजेंट का यहाँ पे लेंगे, ध्यान रखना ये लोग बहुत लोग गलती करेंगे, ऑप्शन चेक करते हुए, जो सी का प्रजेंट एज दिया है तो बी का भी प्रजेंट एज आएगा, तो प्रजेंट एज का रेशियो देखेंगे तो प्रजेंट एज का रेशियो क्या दिया, 8:9, तो देखो जो भी बी का एज होगा बच्चों 9 का मल्टीपल होगा, और बी 52 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। जब भी एज के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हमेशा एज जो होगा इंटीजर होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, याद रखना, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा इंटीजर रहता है, फ्रैक्शन की बात नहीं करते हैं। मतलब अगर ईयर को फ्रैक्शन में बात करोगे तो मंथ में देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ, अगर ऐसा आता है तो आने वाले फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो बी जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे रेशियो से हमको पता चलता है, और बी यहाँ 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ए आंसर नहीं होगा। अब बी की बात करते हैं, तो जब बी की बात करेंगे बच्चों, तो बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है बच्चों की 48 ईयर, सी का एज 48 ईयर ये दिया हुआ है, बी का एज कितना हो जाएगा, इसमें तीन ऐड करेंगे तो ये 51 ईयर आ जाएगा। अब यहाँ भी जो बी का जो एज आ रहा है 51 ईयर, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी आंसर सही नहीं दिया है। अगर सी ऑप्शन को चेक करते हैं बच्चों, तो सी ऑप्शन जो दिया हुआ है 50, सी की वैल्यू दिया है 51 ईयर, तो इसका मतलब बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसमें तीन ऐड करेंगे तो 54 ईयर हो जाएगा, मतलब 54 ईयर हो जाएगा। तो जो 54 है 9 का मल्टीपल है, तो तुरंत ऐसे टिक करेंगे आंसर और आगे बढ़ जाओगे क्या, अगर ऐसा करते हो तो गलत हो सकता है, अभी आप श्योर नहीं हो, आपको पता है कि ये आंसर हो सकता है, ध्यान रखना ये सी जो है आंसर हो सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं हो। कब तक श्योर नहीं हो, जब तक डी को आप गलत ना बोल दो, तो डी को पहले चेक कर लो, अगर डी गलत होता है तो सी सही होगा, अगर मान लो सी और डी दोनों करेक्ट सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर दूसरे कंडीशन को हमको चेक करना पड़ेगा। तो डी को देखते हैं, डी के हिसाब से सी के एज कितना है, 52 है, तो बी के एज कितना हो जाएगा, तीन साल ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, जब 55 आ जाएगा इसका मतलब ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब जब डी गलत हो गया, ए बी पहले से गलत था, अब श्योर हो गए कि बी सी ही आपका आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये रिवर्स अप्रोच भी हमेशा हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, तो रिवर्स अप्रोच से कई बार, अब देखो रिवर्स अप्रोच पता रहेगा आपको, तो मैं आपको समझाने के लिए नंबर लिख रहा हूँ, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि सी का इसमें बी का निकालना, तीन ऐड करना है, तीन ऐड करके चेक करना है और वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो आप बिना पेपर वर्क किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था ये मुझे समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं, देखो ये क्वेश्चन आ गया इसमें रिवर्स अप्रोच लग गया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें रिवर्स अप्रोच अप्लाई नहीं होगा, तो फिर वहां पे आप आसमान में तारे गिनोगे जाके, इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट आपका एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, तभी आप रिवर्स अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 6:5, द रेशियो ऑफ परसेंट ऑफ ए एंड बी का 6:5 दिया हुआ है, फोर ईयर एगो, फोर ईयर एगो का मतलब क्या हो गया कि चार साल पहले, पास्ट की एज की बात किया है,
रेशियो वाज 5:4, तो 4 साल पहले रेशियो था 5:4 का था। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले तो आप लिख लो कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट का रेशियो हमको दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्रेजेंट का रेशियो। तो प्रेजेंट का रेशियो जो दिया है बच्चों 6 और 5 का दिया हुआ है। अब कितने साल पहले पूछा है, 4 साल पहले पूछा है, तो 4 साल पहले मतलब ये -4 ईयर करेंगे, ध्यान रखना -4 ईयर करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे -4 ईयर करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे आ जाएगा रेशियो 5:4 का। याद रखो, याद करो, पार्ट 3 में मैं 2 चीज़ें बताया था कि जब कोई रेशियो कांस्टेंट नंबर से बढ़ता है या फिर कांस्टेंट नंबर से घटता है। पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट नंबर से बढ़ा था, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नंबर से क्या हुआ है, वो घटा है। तो दोनों एग्जांपल में जानबूझ के ऐसे एग्जांपल फ्रेम किया था ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने 4 साल बाद, 4 साल पहले का रेशियो ये था और 4 साल मतलब प्रेजेंट का रेशियो ये दिया हुआ है। अब आगे बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर। अब 12 साल बाद आपको बताना है बच्चों कि इन दोनों का एज का रेशियो क्या होगा। तो 12 साल डेफिनेटली आज के रेशियो कुछ अलग है, 4 साल पहले का कुछ और था, तो 12 साल बाद का अलग होगा, सिंपल सी बात है। तो 12 साल बाद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही रेशियो कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, पहला चीज़ कि देखो इनका जो स्केल है, देखो ध्यान से देखना, ये स्केल है 1 से घट रहा है, 1-1 स्केल से घट रहा है, और ये भी -1 स्केल से घट रहा है। ये तो सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस भी आएगा वो सेम आना चाहिए। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 1-1 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप तो बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन एकदम आसान बना दिया, जब आपको डिफरेंस 1 दे दिया और स्केल भी सेम दे दिया, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको ना ही मल्टीप्लाई करना था, ना ही ऐड करना था, कुछ करना ही नहीं है। मतलब ये हो गया कि कितने स्केल से बढ़ रहा है, 1 यूनिट से घट रहा है, और 1 यूनिट से घटने का मतलब कितना है, 4 साल है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 ईयर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर हो गई बच्चों, तो ए की अगर एज प्रेजेंट एज पूछे, ए की प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे बच्चों तो 6 यूनिट है, ध्यान रखना 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24। उसी तरह बी की प्रेजेंट एज अगर बात करें, बी की प्रेजेंट एज की बात करें, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों, 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। यानी इन दोनों का एज का रेशियो का डिफरेंस, एज का एज पता चल गया, परसेंटेज पता चल गया 24 साल 20 साल, और आपसे पूछा है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद क्या होगा, दोनों में 12-12 ऐड हो जाएगा, उसके बाद रेशियो निकालना है। तो ए का और बी का रेशियो 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर, अगर आफ्टर 12 ईयर निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों में 12-12 ऐड करना पड़ेगा। तो 20+12, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, तो 9 और 8 का रेशियो आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो लोग पार्ट 3 देखे होंगे बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर कि डिफरेंस जब घटता है रेशियो किसी कांस्टेंट थे, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल को सेम करते हैं, क्यों स्केल को सेम करते हैं, तो ये चीज़ आज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये क्लियर हुआ है, जो पार्ट 3 में डाउट रह गया था, वो कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस क्वेश्चन का ये मेथड 1 हो गया बच्चों। एक और मेथड मैं बताता हूँ, जो भी वो भी आसान है, सेम यही है, बस इसको थोड़ा सा देखने का नज़र अलग है, ठीक है। तो देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या करना है बच्चों, देखो आपसे एक जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बनाने का ये तो एक रेशियो से मेथड हो गया। अब ऐसे कभी कर सकते हैं हम लोग कि प्रेजेंट एज पहले लिख लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, नीचे थोड़ा सा छोड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का, क्योंकि पास्ट की बात करेगा तो ऊपर चले जाएंगे, अगर फ्यूचर की बात करेगा तो आगे चले नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया, 6 और 5 दिया हुआ है। अब 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 4 साल पहले की बात करने का मतलब ये हो गया कि 4 साल पहले, 4 साल 4 ईयर पहले की बात कर रहा है। 4 ईयर पहले कितना रेशियो दिया था बच्चों, तो 4 ईयर पहले रेशियो दिया हुआ है 5:4 का, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना कि एक चीज़ यहाँ पर हमको पहले पता चल चुका है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, और इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब, और ये कितने स्केल से बढ़ रहा है बच्चों, तो +1 स्केल से बढ़ रहा है, और यहाँ भी कितने स्केल से बढ़ रहा है, +1 स्केल से बढ़ रहा है। मतलब कि 4 साल बाद +1 स्केल से बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, मतलब 4 ईयर हो गई बच्चों, ठीक है। अब आपको पूछा है 12 साल बाद, ध्यान समझना इस बात को, यहाँ पे मेन पॉइंट है, 12 साल बाद पूछा है,
तो 4 ईयर का मतलब 1 यूनिट है, तो 12 साल का मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ईयर हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 12 साल का मतलब 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो यानी कि जो प्रेजेंट है उसमें 3 यूनिट का बढ़ जाएगा, यानी कि 12 साल बाद जो हो जाएगा 6+3:5+3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9:8 का रेशियो हो जाएगा डायरेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे, आपकी मर्जी, ऐसे सोचो या फिर ऐसे सोचो। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, तो 12 साल बाद पूछा है, तो 12 साल का मतलब कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, यानी कि जो प्रेजेंट का जो रेशियो दिया है उससे अगर 12 साल आगे जाते हैं तो उसका मतलब जो प्रेजेंट के रेशियो में 3 यूनिट से बढ़ेगा, तो हमने 3 यूनिट ऐड कर दिया दोनों में, तो 3 यूनिट ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 9:8 का रेशियो। तो ये आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, आपकी मर्जी है, दोनों में से मेथड में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि 7 ईयर एगो, मतलब कि 7 साल पहले की बात किया है, द एज ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो ऑफ 4 और 5, 7 साल पहले इसका एज का रेशियो 4 और 5 का था, एंड 7 ईयर हेंस, मतलब आज से 7 साल बाद की बात किया है, देयर एज विल बी 5:6। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लगा लो 5 स्टार, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि प्रेजेंट का ना देके पास्ट का देगा, और पास्ट का देगा और फ्यूचर में पूछ लेगा, प्रेजेंट का कुछ दिया नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये पास्ट का दिया है, ये फ्यूचर का दिया हुआ है, और पूछा है कि 5 साल बाद कितना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्म में समझाता हूँ, कि मान लो कि मैं ऐसे बोलूँ कि ये प्रेजेंट का एज जो है, एज का प्रेजेंट का एज का रेशियो कुछ होगा जो कि दिया नहीं है, लेकिन 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले इनका जो रेशियो था, ए और बी का जो रेशियो था बच्चों 7 साल पहले, वो था 4:5। अब ध्यान से समझना इस बात को, और उसके बाद प्रेजेंट से 7 साल दिया है, 7 साल बाद, तो बच्चों प्रेजेंट से 7 साल बाद का ये जो रेशियो दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है 5:6 का। अब ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद, मतलब कि यहाँ से 5 साल बाद, मतलब यहाँ से 5 साल बाद कितना रेशियो होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है, यहाँ पे क्या रेशियो आएगा ये आपसे पूछा गया 5 साल बाद प्रेजेंट से, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, देखो क्या, कि यहाँ से अगर यहाँ से बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का, तो कितने साल का गैप है आप खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक कितने साल है, 14 ईयर का गैप हो जा रहा है, ध्यान समझना 14 ईयर का। अब देखो 14 ईयर का गैप है बच्चों, अब स्केल देखो, तो ये 4 से 5 होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक स्केल से बड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितने स्केल से बड़ा है बच्चों, +1 से बढ़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में +1 स्केल से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेम स्केल से बढ़ रहा है, मतलब कि इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है और इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सेम स्केल में दिया हुआ है, यानी कि एक स्केल की वैल्यू कितनी है, 14 ईयर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 स्केल की वैल्यू कितनी है, 14 ईयर है। तो 1 स्केल की वैल्यू 14 ईयर है बच्चों, जब हमको ये पता चल गया तो अब इसमें कुछ भी पूछा है आप आसानी से बता सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि 5 साल बाद का एज का रेशियो कितना होगा बच्चों, तो ऐसे सोचो, आप खुद सोचो कि 5 साल बाद के एज का रेशियो पूछा है, तो एक यूनिट का मतलब क्या हो गया, 14 साल, और प्रेजेंट में अगर मान लो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ जाना है, तो 7 साल प्रेजेंट तक गैप है, 7 साल के बाद यहाँ पे 5 साल, 12 साल का गैप है कि नहीं है, तो 12 साल का गैप है, तो डायरेक्ट 12 साल का यूनिट निकाल लो, उसमें ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर 1 साल का 14 एक यूनिट के वैल्यू 14 ईयर है, ध्यान समझना, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना यूनिट का जाना है, तो 7 साल का, तो प्रेजेंट तक जाओगे, अब प्रेजेंट के बाद 5 साल पूछा है, तो यहाँ से 7, 5, 12 साल के बाद पूछा है यहाँ पे, तो 12 साल के बाद आपको पूछा गया है, तब खुद याद रखो कि 12 साल बाद जब पूछा गया बच्चों, यानी कि ये 12 साल कितने यूनिट के बराबर होगा, तो यानी कि 1/14 जो होगा 1 ईयर के बराबर होगा, तो 12 साल कितना हो जाएगा, 12/14, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/7, तो ये 6/7 इस यूनिट स्केल से बढ़ेगा, यानी कि 4 में 6/7 ऐड कर देंगे और 5 में 6/7 ऐड कर देंगे, तो वही स्केल से बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो एज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4+6/7, ये हो जाएगा रेशियो 5+6/7। इसको अगर सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो ये जो रेशियो जो निकल के आएगा यहाँ से, ये जो आ जाएगा 28 और 6 कितना होता है 34, तो ये 34/7 आ जाएगा रेशियो, और ये आ जाएगा 41/7, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7/7 खत्म, ये हो जाएगा 34/41 का रेशियो आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो ये आंसर कर रहा है ए ऑप्शन से मैच, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगर आप ये नहीं करते, ये मेथड आपको समझ में आ गया ना, अगर ये मेथड, चलो ठीक है ये मेथड से ही करना है, लेकिन इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे वन यूनिट की वैल्यू 14 ईयर आ गई, इसका मतलब कि 7 साल पहले अगर आपको एज निकालना है ए का, तो ए का एज कितना हो जाएगा 7 साल पहले, यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ए की एज हो जाएगी 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 14 × 4 तो 14 × 4 हो गई, ठीक है। अब उसी तरह अगर बी की एज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 5 × 14 तो 5 × 14, ये ए और बी की एज हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 5 आ जाएगा, और बी का एज कितना रहा होगा तो ये 20 और 5 × 7 हो जाएगा, ये तो 70 ईयर होगा बी का, और ए का एज आपने निकाली है 7 साल पहले। अब 7 साल से आपको पूछा है प्रजेंट से 5 साल, तो 7 साल आगे आओगे तो प्रजेंट पे आओगे, आप प्रजेंट से 5 साल और आगे जाओगे तो आपको 5 साल आगे का निकालोगे, यानी कि इसमें कितना ऐड करना है आपको, 12 का ऐड करना है, यहाँ भी 12 का ऐड करना है। जब 12 का ऐड करना है, ए और बी का नया रेशियो क्या आ जाएगा 12, इसमें ऐड करने के बाद कितना 8 और 6, और यहाँ पर 12 ऐड करोगे तो हो जाएगा 82। अब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2, 4 और 4, 1, तो ये 34/41 का रेशियो आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते, तो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर से आए हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो ATC में 2016 में क्वेश्चन आया था। बच्चों मैं बता दूं ऐसा क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो विद इन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर पैदल चलने वाला मेथड अप्लाई करोगे तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा। देखो किसी भी पब्लिक सेक्टर में जो अलग से पेपर लेती है उसमें सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपका क्वांट और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो लोग फुल में फुल मार्क्स स्कोर करते हैं क्वांट और रीजनिंग में, तभी उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जो वैसे PSU में जाना जो गेट के थ्रू नहीं अलग से एग्जाम लेती है, तो आपका क्वांट और रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, याद रखना आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है और कम से कम टाइम में। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 ईयर एगो मतलब 6 साल पहले की बात किया, रेशियो ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड सागरवास 6 और 5 दिया, चलो 6 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, और 4 ईयर हेंस मतलब प्रजेंट से 4 साल बाद का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, याद रखेंगे प्रजेंट से 6 साल पहले का ये रेशियो दिया है, प्रजेंट से 4 साल बाद का ये रेशियो दिया हुआ है, सागर की प्रजेंट में क्या एज है आपसे ये पूछा गया है। तो ये अभी तो सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 किए थे हम लोग, तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग प्रजेंट एज को लिख लेते हैं, तो प्रजेंट एज का रेशियो नहीं दिया है, लेकिन हाँ 6 साल पहले का दिया हुआ है, तो 6 साल पहले का दिया है बच्चों, कौन कौन किसका किसका दिया है, कुणाल और सागर, तो कुणाल और सागर बना लिए, 6 साल पहले दिया 6 और 5, ठीक है। और अब प्रजेंट से 4 साल बाद बोला, याद रखना इसका मतलब 4 ईयर हेंस मतलब अभी से 4 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से 4 साल बाद का। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि इसी के 4 साल बाद ले लेते हैं, ठीक है, हेंस वर्ड यूज किया ना, 4 ईयर हेंस इसका मतलब प्रजेंट से 4 साल बाद, ठीक है। अब कितना एज का रेशियो दिया है, ये दिया 11:10 का रेशियो दिया हुआ है, तो व्हाट इज सागर एज एट प्रजेंट, तो सागर का प्रजेंट में एज पूछा है। अब देखो यहाँ पे पास्ट की रेशियो दे दिया, फ्यूचर का रेशियो दे दिया, प्रजेंट की बात कर लिया है, तो वही सेम क्वेश्चन था पहले वाले में, क्या था कि प्रजेंट की बात कर न करके 5 साल बाद की बात किया था, और इसमें प्रजेंट की बात कर दिया है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों। देखो अब यहाँ पे समझो बात को, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, इसका मतलब कि इसमें तो कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्केल से बड़ा होगा वहाँ भी, यहाँ भी उसी स्केल से बड़ा होगा, यहाँ कितने स्केल से बड़ा है बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बड़ा है +5 स्केल से, यहाँ भी उतने स्केल से बड़ा होगा +5 स्केल से, क्योंकि जब ये कॉन्स्टेंट आता है तो सेम स्केल से बढ़ते हैं दोनों नंबर, यानी कि 5 स्केल से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना एज का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिफरेंस आ रहा है बच्चों 6 और 4, 10 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया कि 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी 10 ईयर होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर हो जाएगी बच्चों। तो हमको जब ये पता चल गया तो हमसे कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछेगा हम इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि प्रेजेंट एज पूछा है सागर का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हम ये 4 साल बाद वाली एज को निकाल लें, या फिर हम 6 साल पहले वाली एज को निकाल लें, और अगर 6 साल पहले वाली एज निकालेंगे तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, हमको ऐड करना पड़ेगा +6 का, क्योंकि प्रेजेंट का पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 साल पहले सागर की एज कितनी थी, सागर की एज थी 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 10 ईयर थी, कब, 6 साल पहले। तो सागर की जो प्रेजेंट एज होगी, यहाँ पे जो सागर की जो प्रेजेंट एज आएगी तो 10+6 हो जाएगी, क्योंकि 6 साल बाद ही तो प्रेजेंट आएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 16 ईयर, तो सागर की एज हो जाएगी 16 ईयर, यानी कि आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अस इसी क्वेश्चन में प्रेजेंट एज का रेशियो पूछ देता तो आप क्या करते? तो सिंपल सा लॉजिक कि आपको पता है कि टू ईयर का मतलब क्या, एक यूनिट है। अब पास्ट में 6 साल पहले है, प्रेजेंट में आने के लिए उसको 6 साल आना पड़ेगा, तो 6 साल कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा? तो 6 साल जो हो जाएगा बच्चों 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 6 से 6 और 5 का रेशियो 3 यूनिट बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ का रेशियो आएगा। तो यहाँ आने का मतलब क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 और 5 3 8, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो होगा 9:8 का रेशियो हो जाएगा प्रेजेंट में। अगर ये रेशियो पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट करके आंसर बताना है। जो लोग सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन में रख सकता हूँ कि वो लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। कमेंट करने का तरीका, आपको होमवर्क क्वेश्चन लिखना है ऐसे, और उसके आगे बी ऑप्शन मान लो कि सही है तो बी ऑप्शन लिखना है और 4:3 लिखना है, ये आंसर कमेंट करके आपको बताना है। तो जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो सीरियस हैं गेट के लेके, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है, और मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और भी अच्छे अच्छे मैं लेक्चर लेके आऊँगा, और भी आसान तरीका बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं इस यूट्यूब चैनल से तो आप बिल्कुल जोड़िए। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा बच्चों, कि देखो अभी क्या है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लाने का, ठीक है। अगर मैं डिजिटल बोर्ड ला दिया तो डिजिटल बोर्ड लाने में पैसा लगेगा, ठीक है। तो पैसे तो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे मेरे पास है, मैं लगा भी सकता हूँ। लेकिन वो डिजिटल बोर्ड में 2 लाख रुपया खर्चा करके अपना सेटअप तैयार करूँ और उसको देखने वाले केवल 100 बच्चे हों, तो फिर लगाने का क्या मतलब है? 100 बच्चों के लिए मैं 2 लाख रुपया अपने जेब से थोड़ी खर्चा कर सकता हूँ। हाँ, अगर 1000 बच्चे होते जो रेगुलर फॉलो करते तो डेफिनेटली मैं डिजिटल बोर्ड लगा देता, ठीक है, अपने पैसे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। तो अगर आप लोगों को जोड़ेंगे तो आप ही लोगों का फ़ायदा है। डिजिटल बोर्ड आ जाने से क्या होगा, लाइव क्लास होने लगेंगी और आप लाइव वीडियो और उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं, और लाइव डिस्कशन का मज़ा ही कुछ और रहता है। इसमें क्या होता है कि न मैं आपसे इंटरेक्ट हो पाता हूँ, बस आपके कमेंट के द्वारा मैं जान पाता हूँ कि कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो को। लाइव वीडियो में क्या होता है कि कमेंट लगातार आते रहते हैं, तो आदमी उससे जुड़ा रहता है। पढ़ाने में जो मज़ा है ना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो तो मैं पूरा दिन ही क्लास लेता रहूँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप इतना कर सकते हैं तो कर कीजिएगा, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेटर करें एग्जाम में। और आज ये सीरीज ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को अच्छा लगा है, जिनको लगा है डिफरेंट फील हुआ है कि नहीं कुछ हमने नया सीखा है और ये चीज़ आसान है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें, ठीक है। फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फीडबैक ही आपका जो है मुझसे कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, आप मुझे नहीं देख पाते हो, लेकिन जब आप कमेंट करते हो, फीडबैक देखते हो, तो उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।